गाइस वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की जो वीडियो है 90s की जनरेशन के बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि चंपक तो हम सभी पढ़ते थे बचपन में, तो हम उसी से इंस्पायर होकर थोड़ी बहुत पहेलियां और रिडल्स लेकर आए हैं जो हमने वियर फूड कॉम्बोज के साथ एक कॉम्बो बनाया है पहेलियों और फूड का। जो इस वीडियो को आगे तक देखिएगा उसी को पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो आज के जो चैलेंज है उसकी जो रूल्स होने वाले हैं वो ऐसे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से पहेलियाँ पूछेंगे और उन पहेलियों का जो भी गलत आंसर देगा उसको एक पनिशमेंट मिलेगी और हर राउंड में पनिशमेंट अलग होने वाली है। तो फिर आज के चैलेंज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुन लो सारे, जल्दी आ जाओ, कॉम्पिटिशन हो रहा है, आ जाओ। चलो कर दिया, कोई नहीं आएगा बेटा। चलो। तो गाइस हम ना बहुत कंफ्यूज हैं कि पहले कौन शुरू करेगा, उसके लिए हमने सोल्यूशन निकाला है कि हम रॉक पेपर सीजर कर लेते हैं, जो हारा वो पहले पूछेगा मतलब वो बच जाएगा जो हारा वो बचेगा। अरे जो हारा वो पहले पूछेगा, सही है। चल रॉक पेपर सीजर यार यार। चल ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने तो पहला क्वेश्चन है, इजी है। एक कार में दो फादर हैं और दो सर हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर सिर्फ ट्रैवल तीन लोग ही कर रहे हैं, ऐसे कैसे? क्योंकि मतलब दादाजी हुए होंगे वो उसके मतलब बेटे के, मतलब पोता होगा, ग्रैंडसन होगा एक, और उसके पापा होंगे और पापा के पापा होंगे, तो हो गए दो पापा दो सर। ये तो बहुत ईजी था। चलो यार, ये असेसमेंट अच्छा कर लिया है इसने, पहली में जीत गई। तो पहली जो पनिशमेंट है वो है एलोवेरा खाना पड़ेगा। तो खाना पड़ेगा ऐसा बैंड बताओ जो कभी म्यूजिक प्ले नहीं करता। इतनी लॉन्ग साइलेंस हो गई है। ऐसे बता दिया तो फिर तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि आपको फायदा क्या पहेली का और पनिशमेंट का। अगर अगर तू आ रहा था तो ये भी तुझे खाना पड़ेगा, अगर तू नहीं बता पाया तो। ये तो नया ट्विस्ट आ गया सडनली। चलो थोड़ी देर में टिक टिक शुरू होएगी। ठीक है ठीक है। मजा आया। तो नेक्स्ट राउंड की बारी आ चुकी है और पनिशमेंट होने वाली है करेले का जूस। तो आज तो सबसे गंदी और कड़वी चीजें मिल गई हैं हमें। चलो तो तू पहले पहेली पूछेगी। चलो कर। ठीक है, क्वेश्चन है, आई एम यंग एंड आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग
एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, मतलब मैं जवान हूँ तब मैं बहुत लंबी हूँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी. क्या हूँ मैं? आंसर. ओह गॉड, डिसअपॉइंटमेंट. मेरे शक्ल पे पीने के लिए रेडी हो जाओ. क्या आंसर है? कैंडल. चलो तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या चीज है जो मार्च और अप्रैल के बीच में तो आती है लेकिन किसी भी और मंथ के स्टार्टिंग या एंडिंग में नहीं आती. ऐसी क्या चीज है जो मार्च और अप्रैल के बीच में आती है लेकिन किसी भी और मंथ के स्टार्टिंग एंडिंग में नहीं आती. कि बीच में आती है मार्च और अप्रैल के, बट किसी की भी स्टार्टिंग और एंडिंग में स्टार्टिंग और एंडिंग हां नहीं आती. ये कैसा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है. तभी तो रेडी कर रहा हूं तुझे पी लेने के लिए. तेरी चांस है. करेले का जूस कड़वा कड़वा पूरा शरीर अंदर तक अच्छा कर देगा. यार क्या क्वेश्चन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो फिर रेडी हो जा पीने. नहीं यार मार्च क्या है? मार्च और अप्रैल में क्या आता है? मुझे मैं तो बता ही दूंगा आंसर बाद में. पहले ये पी ले, मैं बता देता हूं. संडे मंडे आता है क्या? क्या आता है कुछ हिंदी? अब तू भी दे. मैं तुझे पहले नहीं दिया तो अब क्या मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा. इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम. तो नहीं आ रहा? टिक टिक वन शुरू कर दें. मैंने इतनी जल्दी नहीं शुरू की थी. क्या आता है मार्च और अप्रैल के बीच में? क्या आता है? कुछ भी नहीं आता. अच्छा तो ये मुझे ज्यादा आता ही नहीं आता, कुछ नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग. कुछ नहीं आता है? आता है बिल्कुल आता है. क्या आता है? शुरू करें. हार गई तू, हार मान ली. पहले पी, पहले बता, पहले पी फिर आंसर बताऊं. बचाए पहले आंसर बता. आंसर है लेटर आर. मार्च में भी आता है और अप्रैल में भी आता है और बाकी किसी की भी एंडिंग और स्टार्टिंग में लेटर आर नहीं आता. हमसे नहीं हो पा रहा है और गिव अप हो रहा है. गिव अप. आंसर है, हंसी आती मुझे क्योंकि बहुत फनी है. एन और जी मेक्स यू यंग. एन और वाई ओ यू में एन और जी लग जाएगा तो ये यंग हो जाएगा ना. व्हाट मेक्स यू यंग? वाह वाह. तुम्हारे समाना और मम्मी ये देख के बताइए कि बहुत सीखी हुई है हमारी कान लगने वाली है. चलो भाई पहले क्वेश्चन तू पूछे. तू पूछ पहले. तूने बोला था तेरी चांस है. What belongs to you but other people use it more often. Then,
मेरा नाम हाँ हाँ मेरा नाम हार गई तो दोनों से खानी पड़ेगी मंडे पे गया और दो दिन वहां रुका और उसके बाद मंडे को वापिस ऐसे कैसे एक आदमी है वो एक सिटी में मंडे पर दो दिन रुका और मंडे पर ही दो दिन के बाद वो वापस आ गया ऐसे कैसे तो एक सिटी में गया होगा ना एक ही सिटी में गया उसी की बात है और उसी सिटी से वो वापस आ मंडे पर मतलब सपोज अब एक ही बार बता दिया तुम्हें क्वेश्चन ध्यान से सुन लो दोबारा चलो रुको एक क्वेश्चन एक अभी आखिरी बार बता ध्यान से सुन लेना ठीक है उसका मैं रिपीट नहीं करूंगा ना कुछ बताऊं अरे बोल ना एक आदमी एक सिटी पे गया मंडे पे गया होंडा सिटी पे गया क्या होंडा सिटी अरे शहर मान ले यार तो शहर गए शहर में मंडे पे गया दो दिन रुका मंडे पर वापस आ गया और ऐसे कैसे हो सकता मंडे कोई गाड़ी बड़ी का नाम है क्या मंडे पे गया मंडे को आ गया ये मंडे डे से रहता है आंसर डे से रहता है पर वो मंडे को ही किसी जगह क्वेश्चन को क्वेश्चन बता ये देख ऐसा है ना हिंट कुछ नहीं मिलना क्वेश्चन बता दिया आंसर बताना मंडे ये है ना मंडे पहेली है अब पहेली को पहेली की तरह मंडे कोई गाड़ी है उसका नाम होगा क्वेश्चन क्वेश्चन बता दिया तीन बार रिपीट कर दिया बस तीन तीन गाड़ी खाने का लोग चार बार देता कर दिया मैंने रिपीट कर दिया ठीक है तो वो तो रिपीट करने से मतलब मैंने कर दिया चलो हां चलो बता तू एक इंसान मंडे को सिटी गया अच्छा क्वेश्चन है तू अपने क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन मत बोला कर सोच शहर कुछ भी बोल ले तालुका बोल ले और बता टाउन बोल ले कुछ भी समझ गया फ्लैश था क्या सुपर था आज जिंदा खा ले ना मजा आ रहा है इसकी पनिशमेंट तो खत्म हो गई लेकिन आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि अगर एक लेडी जिसने अपने हस्बैंड को शूट किया पहले फिर उसको 5 मिनट अंडर वाटर रखा तो मैं इसे शूट और उसके बाद
उसको टांग दिया और क्या वो दोनों मिलकर बैठ के थोड़ी देर बाद डिनर करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन कैसे आई ये चीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।